बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। हम फिज़िक्स का यूनिट 3 कर रहे हैं, डायनामिक्स। आज हम इसमें करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। जिस तरह हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इसी तरह अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते की तरफ बुलाता है और शैतान हमें अंधेरों की तरफ लेके जाता है। अल्लाह ताला कहता है जो लोग मेरे पर ईमान लाते हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह उनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले चलता है। तो अल्लाह का दोस्त बनने के लिए अल्लाह की भेजी हुई किताब को पढ़ना चाहिए, उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। जब अल्लाह को जानेंगे पहचानेंगे तो फिर ही अल्लाह से दोस्ती हो सकती है। अल्लाह से दोस्ती बहुत आसान है। अल्लाह को याद करें और अल्लाह की याद का बेहतरीन तरीका है कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें, उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ें, उस पर गौर करें, उसे समझें, उस पर ईमान लाएं और उस पर अमल करें। तो आज से कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें। वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ दैट आर मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ता है जो कि गोल रास्ता इख्तियार करती हैं। अब टेक अ स्मॉल स्टोन, आप एक छोटा सा पत्थर लें, टाई इट एट वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, उसे एक रस्सी के सिरे से बांध दें। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे कर सकते हैं। नाउ रोटेट द स्टोन होल्डिंग द स्ट्रिंग, अब आपने उसको घुमाना है रस्सी हाथ में पकड़कर। द स्टोन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, स्टोन जो है वो एक गोल रास्ते पे हरकत करेगा। जिस तरह मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज सर्कुलर, हमारी ज़मीन के गिर्द चांद का रास्ता भी गोल है। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ इख्तियार करता है तो हम उसकी हरकत को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। कंसिडर अ बॉडी टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, सोचें कि एक चीज़ है जो कि रस्सी के आखिरी सिरे से बंधी हुई है। अ बॉडी दैट हैज़ द टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया, उसके अंदर ये कुव्वत है कि वो सीधे रास्ते पे जाना चाहती है इनर्शिया या जमूद की वजह से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वाई डज द बॉडी मूव इन अ सर्कल, लेकिन वो बॉडी जो है वो सर्कल में क्यों मूव कर रही है। तो द स्ट्रिंग टू विच द बॉडी इज टाइट कीप्स इट मूविंग इन अ सर्कल बाय पुलिंग द बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो स्ट्रिंग है जिससे वो बॉडी बंधी हुई है वो सेंटर की तरफ खींचती है जिससे वो सर्कल में ट्रैवल करती है। अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। लेट अ बॉडी ऑफ मैस एम मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ वी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अब देखें एम मेरून कलर में है, वी ग्रीन में और रेडियस ब्लू कलर में। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द फार्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। और अगर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड ऑफ लॉ जो है उसकी जो हमने इक्वेशन है वो है एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, और हम इसमें एक की बजाय उसकी वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एफ सी फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडिड बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल डिपेंड्स अपॉन द मैस ऑफ द बॉडी स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड रेसिप्रोकल टू द रेडियस आर ऑफ द सर्कल। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे हर चीज़ का एक रिएक्शन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी एक रिएक्शन पार्ट है जिसको सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग
आउटवर्ड इज सम टाइम्स कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो फोर्स जो धागे को बाहर की तरफ खींचती है समटाइम्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। नाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अ स्टोन ऑफ मैस 100 ग्राम इज अटैच टू अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग। द स्टोन इज रोटेटिंग इन अ सर्कल विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हमने पहले पढ़ाया कि यूनिट्स ऑफ फोर्स जो हैं वो न्यूटन्स हैं, और न्यूटन है 1 किलोग्राम मैस पर सेकेंड। तो हमने 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 0.1 kg आ गया। वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड है, रेडियस हमारे पास 1 मीटर है, तो हमने टी या एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। हम उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ प्लेस करेंगे और जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 2.5 न्यूटन। तो 2.5 न्यूटन टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो